जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री महाकाल। आने वाले 100 दिन, ये 3 महीने कैसे रहेंगे? क्योंकि ये जो दौर चल रहा है, इस दौर में सब कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आपको जानना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक छोटी सी जानकारी आपका बहुत बड़ा फ़ायदा कर सकती है। तो इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होगी और बहुत यूनिक विषयों पर चर्चा होगी कि आने वाले 100 दिनों में कैसे क्या होगा। सिर्फ एक निवेदन है आपसे, इस वीडियो को पूरा देखना, जहाँ बीच में छोड़ा मैं तकलीफ में आ जाएंगे, क्योंकि बातें जो है वो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आगे होगी, लेकिन उन सभी का हल पीछे आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको चीज़ें सही तरीके से समझ आ पाए। हम इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले नौकरी, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं नौकरी जा रही। दूसरा है व्यापार, व्यापार हमारा चल नहीं रहा। तीसरी बात है पति पत्नी के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा विवाद हो रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। चौथी बात, बहुत से लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो क्या करें। और पाँचवीं महत्वपूर्ण बात है, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा। और छठवीं बात है कि चाहे जो भी कर रहे हो, खेती भी कर रहे हैं बहुत से लोग, तो वो लोग आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो ये मेजर इस वीडियो में केवल इन्हीं विषयों पर बात होगी, और इनके हल उपाय कैसा रहेगा, क्या रहेगा, हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक रूप से असंपन्नता का जो दूर चल रहा है उसके ऊपर। तो दोस्तों, उससे पहले एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो मैं एक छोटा सा आपसे निवेदन कर सकता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको हमेशा इसी तरह की अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट लेकर भी मुझसे बात कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बात करें, जो भी परेशानी उसका हल जाने। तो सबसे पहले आर्थिक रूप से तंगी की वजह, आर्थिक रूप से जो तंग हाली चल रही है उस पर बात करेंगे। इन दिनों आर्थिक रूप से तंग हाली के पीछे एक वैश्विक महामारी का दौर तो है ही सही, लेकिन उसके पीछे दूसरा कारण यह है कि जो धन का रोटेशन था, जिसके साथ हम जीते थे कि पैसे आ रहे थे, हमारे खर्चे चल रहे थे, और अब वो रोटेशन सही तरीके से नहीं चल पाने की वजह से हमें आर्थिक रूप की तंगियां झेलना पड़ रही है। ये बातें तो आप समझ ही रहे होंगे। सेविंग्स जो है उसको भी हमने प्रयोग कर ली होगी, और इन चीज़ों को भी प्रयोग करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आने वाले दिनों में जो आपका रोटेशन है, जिससे आपकी आर्थिकता सही तरीके से चल रही थी, इसमें बिजनेस और नौकरी वाले थोड़ा सा बाद में मैं बात उनके लिए बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर उन लोगों की बात करूँ जो आर्थिक रूप से जुड़े, जो रोटेशन से जीते थे, पैसे आते थे जीते, वो लोगों के लिए एक बेस्ट ऑफ बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहता हूँ कि इन 3 महीनों में उनके लिए चीज़ें हैं बहुत हद तक सामान्य हो जाएगी, बहुत हद तक सामान्य हो जाएगी, ये बात याद रखना, इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं आप। दूसरी बात करते हैं अब व्यापार की। व्यापार नहीं चल रहा है और व्यापार में चीज़ें सही तरीके से नहीं हो पा रही, बहुत से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद है, लेबर का प्रॉब्लम है, और नहीं जाने कितनी प्रॉब्लमों के साथ अभी हम जूझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके लिए इन 90 दिनों में, इन 100 दिनों में एक नया चीज़ क्रिएट होगी, और ये जो दौर है, जो अभी तक दौर अपने जो खराब दौर झेला है, आपके लिए एक सकारात्मक परिणाम होगा, और व्यापार जो है वो 50-60% वापस यथास्थिति में पहुँच जाएगा। अभी लग रहा है आपको कि ऐसा नहीं है, लेकिन जहां आपकी जो अर्निंग पूरा डाउनफॉल में था, बिल्कुल कम हो गया था, उसमें लगभग बढ़ोतरी होगी, अच्छी बढ़ोतरी होगी, जो स्थिति को सामान्य करने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो ये बात जरूर याद रखना। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये चीज़ें बहुत अच्छी होने लगी। तीसरी बात करेंगे, जो लोग नौकरी पेशे वाले, बहुत से लोगों की नौकरी चली गई है, बहुत से लोग उससे भी EMI भर के घर चलाते थे, वो लोगों के लिए मैं कह देना चाहता हूँ कि आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइम ये है कि आप खुद को मेंटली रूप से प्रिपेयर रखें। और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि नौकरी जिन जातकों की गई है, उन्हें फिर से नौकरी मिलेगा, और अच्छा नौकरी मिलेगा। तो हताश और निराश होने की कहीं आपको ज़रूरत नहीं है। अगर हताश और निराश होंगे तो आप रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हताश और निराश आपको होना नहीं है, आपको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, यथावत जो पहली थी। 19-20 हो सकता है थोड़ा, लेकिन इतना कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही काम बढ़ेगा वैसे ही नौकरियां तो देना ही पड़ेगा। और वेल ट्रेन व्यक्ति, ट्रेंड व्यक्ति जो पहले से परिपूर्ण है इन विधाओं में, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चौथी बात है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन दोस्तों के लिए मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी वक्त थोड़ा सा आपके लिए फेवरेबल होगा इन 90 दिनों में, 100 दिनों में,
और आने वाला समय जो है वो आपका होगा। तो कहीं घबराए नहीं, अपनी तैयारी को जारी रखें, खुद पर यकीन रखें, आपका आने वाला समय अच्छा रहेगा। जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। अच्छा, वो लाइक करें, शेयर करें।